जी हाँ, मुद्दों का दंगल इस मुद्दे पर असी चर्चा कर रहे हैं। साढ़े नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा उन्होंने रुख करते हैं। साढ़े नाल बीजेपी के हरजीत भुल्लर, कांग्रेस वालों जी एस बाली, अपना पंजाब पार्टी वालों आर आर भारद्वाज, तो सीनियर पत्रकार तरलोचन सिंह जुड़े हुए हैं। बाली साहब, मेरा सवाल हुण तुहाडे तो है, जिस तरह कहा जाता है कि चुनाव तो जिहड़ी पहलां दी रात हुंदी, एक दिन पहलां वाली, काफ़ी अहमियत रखती है। हर पार्टी किते ना किते पूरी कोशिश करती है जोड़ तोड़ दी भी कुछ ना कुछ इस नूं लैके कीता जावे। तुहानूं की लगता भी किन्नी कु अहमियत है इस आज दी रात दी, जिहड़े 12 घंटे रह गए या 11 घंटे रह गए, जिन्ने भी मान्यवर इन्हां दी गल दा जवाब देना भुल्लर साहब दी गल दा, अगर तुसीं ठीक समझो तां। जी जी जी, साउंड नहीं आ रही मेरे को। साढ़े एम एल ए सिबान से इन्होंने एलीगेशन लाए ने, 10 साल इन्हों की सरकार हो गई है, तुम फड़ लेंगे साढ़े एम एल ए सिबान, मगर यह मतलब यह है भी तुहाडे पल्ले ही कुछ नहीं। अगर साढ़े तुसी सानू माफिया कहने हो, 10 साल तुसी की करते रहे हो, साडा एक बंदा भी तुसी ये क्या भी आ माफिया सी आ एमजीएफ ने भाई तुहाडा बंदा 42,000 रुपया, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, कैप्टन साहब तरीका भुगते फिरदे, उसे गलतियां भुगते फिरदे ने। मैं ओ भी दस देना त्री, मैं तुहानू पहले भी एक गल बेनती की है कि आरोप लगना कोई सजा याफ्ता बंदा नहीं हो जाता, आरोप तो प्रधानमंत्रियों से भी लगते हैं, कोई ये थोड़े आरोप लगे ने तुसी सिद्ध नहीं कर पाए कुछ भी पंजाब के अंदर। अगर तुसी कहो एमजीएफ की गल की है तो दिती उन्होंने, उन्होंने जरा पैसा दिता उन्होंने लिया, कोई हेरा फेरी तो नहीं, कोई गल तो नहीं, तुम केस चलाया की हो गया, गवाह मुकर गए, उदू बाद पन्नू होर उन्होंने केस चलाया, तो 50,000 करोड़ रुपए का केस है, और टीवी चैनल चला कबड्डी कराता से इतने बंदा साडा बंदा नहीं, तुम बिना किसी गल तो इल्जाम लाओ, असी तो तथ्य के आधार से थोड़े तो इल्जाम ला रहे हैं कि जो पंजाब 10 साल के बीच होया वह दस रहे हैं। तुम ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਆਰੋਪੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਰੋਪ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਉਹ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੀ, ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ठीक है सर। सो मतलब धड़कना तो वधिया हुई है किसी ना किसी तरह, लैके जो आप मनिया जाए हरेक पार्टी के अज भी, तो जो 10 मार्च की रात होगी उस दिन भी साढ़े ना भारद्वाज साहब ने, भारद्वाज साहब थानू किस तरह लगता भी तुहाड़ी पार्टी तो पहली बार चोणा च उतरी है, भी अज की रात जो चोणा तो पहला की रात होंगी काफ़ी अहम होंगी है, चोड़ तोड़ भी होंगी है, अंदरों अंदर होंगी है, बाहर नहीं इन्ना कुछ पता लगता। गुरप्रीत जी, रात नूं कुछ नहीं होना जी, लोगों का मन जिस तरह तरलोचन जी ने कहा, लोगों का मन बना होया है कि सरकार बदलनी है, सरकार दे विच बदलाव लाना है। गल सिर्फ इन्नी है कि सरकार बदलन दे बार नवी सरकार किस नूं लानी है जी। हुण नवी सरकार जिहड़ी है, साडी पार्टी ने 77 कैंडीडेट खड़े किए हैं जी, कांग्रेस ने पूरे किए हैं, अकाली भाजपा ने भी पूरे किए हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं। आम आदमी पार्टी की गल मैं पहले तुहानू एक मिनट ही दसना चाहता हाँ जी। आम आदमी पार्टी पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। देखो, बड़े सियाने लोग हैं तुहाडे, है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने की कहा केजरीवाल बारे, यादव ने की कहा, गुरलाभ ने की कहा, हजारों लोगों ने जिन्होंने पैसे दिते इस पार्टी उन्होंने की कहा, ये लोगों को क्लीयर हो गया कि इस तरह की पार्टी जिन्होंने टिकट बेची है, जिन्होंने शक्की लोगों को टिकट दिती है, जिहड़ी राजनीति धर्म के नाते करती है, जिन्हों के आतंकवादियों नाल संबंध है, जिहड़ी फिरका परस्ती च विश्वास करती है, उन्होंने लोगों ने नहीं देनी, भावें रात को आम आदमी पार्टी वाले अमृत लेके लोगों नूं दिंदे जाण, इह बिल्कुल ही नहीं होना। इसी तरह जिहड़ा लोगों का मन बना होया है कि अकाली भाजपा सरकार नूं बदलना है, भावें इन्होंने 100 गल कर लेन सड़कां बनाउण दी,
एक फ्लाईओवर बनाने की बाकी होर चीज़ों की गल कर ले, लोगों का मन बना होया है। इसी तरह कांग्रेस की गल है, कांग्रेस दे विच इन्ना डिवीजन होया होया है, ये रोजाना बंदे अपने लीडर हुण भी एक्सपल करी जाते हैं और इन्ह दे 12-13 बंदे हुण भी जिहड़े है बागी खड़े होए हैं। ये अपने काडर नू अपनी चीज़ नू संभाल नहीं सके, तो ये जिहड़ी चीज़ा है ये चीज़ा बहुत लोगों के माइंड विच ऑलरेडी गई हुई है। ये तीनों पार्टियां की मैं छोटी गल दसी टाइम करके ये गई हुई है, हुण ये चीज़ा रात नू नहीं निकलनी है, ये चीज़ा होर रात नू जो बैठता है बंदा सोचता है ये रात नू उहदे माइंड विच होर जमदी है। इस करके बिल्कुल कुछ नहीं होना, लोगों का माइंड बना होया है और क्लीयर गल हो जानी है। मैं बार बार कहता कि इन पार्टियों विचों कोई भी पंजाब का सही इंटरस्ट वाच करने के काबिल नहीं है, खास करके आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि केजरीवाल, केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सुच्चा सिंह छोटेपुर नू उसने झूठा वो करके इस करके निकाला कि उन्हें खतरा हो गया कहीं सुच्चा सिंह ना मुख्यमंत्री बन जावे। इस तरह की हरकत करन वाली जिहड़ी पार्टी है, इस तरह के जिहड़े काम करन वाली पार्टी है, कि पंजाब के लोग उन्हां नू पावर सौंप देंगे? कि जिहड़े ये बाली साहब ने कहा कि ये माफिया चलते हैं कि मुड़ के अकालियों वो ले आएंगे, कांग्रेस नू इन्नी बारी लोगों ने देख लिया, ये मसले ही कांग्रेस और अकालिया ने रल के पंजाब दे विच खड़े किए हैं, ना ये उस तो बच सकते, पानी का मसला है, दोनों पार्टियां की गलती है इस दे विच कि अज पानी का ये हाल होया हुआ है, सतलुज दरिया लिंक का मसला जड़ा है वो हल नहीं होया। तो मैं सिर्फ इन्नी गल तुहानू कहना चाहता है कि रात नू अज रात नू कोई फर्क नहीं पैना, लोगों का माइंड बना होया है और मैनू पूरी आस है कि लोग बहुत सोच समझ के पंजाब दे हित विच देंगे। सिर्फ इन्नी जरूर गल है कि पंजाब का हित उन्हानू ध्यान विच रखना चाहिए है, जड़ा कि ये तीनों पार्टियां बिल्कुल रखन दे विच काबिल नहीं रही। इन्हां दी हिस्ट्री जड़ी है वो इस तरह दी है, उस हिस्ट्री नू देख के ही अपनी ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। तरलोचन सिंह जी साडे जुड़े, तरलोचन सिंह जी तुसीं कई इलैक्शनस देखे होणगे, उस तो पहला भी जदों भी गल हुंदी है तो कहा जाता कि जिहड़ी इलैक्शन तो पहला रात हुंदी बड़ी जोड़ तोड़ हुंदी, हालांकि भारद्वाज साहब इस नू नकार रहे ने कि हुण लोकां ने मन पहलां तों ही बना लिया तो अज रात च कुछ नहीं होण वाला। गुरप्रीत जी, इन्हां तीन मेरे साथियों ने तो आलमोस्ट यही कहना चाह रहे हैं भी अही तो जितते पे हैं, चलो इन्हां दा कुदरती कहन दा हक भी बनता, पर तुहाडी गल बिल्कुल दुरुस्त है। इलैक्शन तो एक दिन पहलों की जिहड़ी रात है बड़ी महत्वपूर्ण हुंदी है जी। पहलों आम दंद कथा सी भी जदों पंजाब की चोण हुंदी है तो कुछ तनाड़ कुछ ड्रग माफिया वाले रातों रात ही सारी खेड जिहड़ी है उन्हूं घुमा देंदे ने अपनी ताकत नाल, पैसे की ताकत नाल, नशे नाल और कई थावां ते गुंडागर्दी नाल। पर मैं जिवें पहली गल कही है, अज पंजाब दा जिहड़ा पंजाब दे लोक ने बड़े सुचेत हो गए और पंजाब दे लोक कई कुछ हंडा भी चुके है पिछले 15-20 सालां च, हरेक वर्ग और दूसरा तुहाडे साडे वर्गियां ने ते सोशल मीडिया ने पंजाब दे लोकां नू बहुत ही की कहिंदे आ सुचेत करता, अवेयर करता। मैं तो हुण कहिंदा वी जिहड़ा झुग्गी च भी बैठा, कच्चे कोठे च भी बैठा, वह भी मोबाइल च सारे लीडरां दा हिसाब किताब जिहड़ा कर लैंदा, खाते खोल लैंदा भी ये बोल की रहे ने ते हो की रहा है। सो वो सच्चाई सामने, पर इहदे बावजूद तुहाडी गल ठीक है, जो मैं महसूस करदा भी अज दी रात लोग विचारनगे, जे लोग विचारनगे भी इस नू वोट पाउण नाल की जिन्नू मैं चाहुंदा भी हारना चाहीदा हारदा, जां इस नू वोट पाउण नाल ये जितन की थां दूजे नू तां नहीं जितांदा। सो इदां दे अंकड़े जरूर पंजाब दे लोग रात नू सोचणगे, क्योंकि कई 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 जिहड़े वोटर ने, कई वोटर मैं कहना एक विशाल वोटर है उन्होंने, मे भी यह मुद्दा हो सकता है भी फलानी पार्टी नहीं आनी चाहिए, उन्होंने एक नुकाती प्रोग्राम हो सकता, फिर वो देखेंगे भी तीन कैंडीडेट ने या चार कैंडीडेट ने उन्हां चों किहड़े नूं वोट पा के ये जित सकता तो उन्हें हरा सकता। तुसीं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे जे, आखिरी रात कईयां दी किस्मत बनी बनाई बिगाड़ देगी तो कईयां दी खेड जिहड़ी विगड़ी है वह खेड जिहड़ी है खेल भी सकती है।
जी जी ठीक है। सो तुसी कह रहे हो कि काफ़ी अहमियत है इस लैके भी लोग विचार करते हैं। भुल्लर साहब साढ़े जुड़े, भुल्लर साहब कि थानू लगता है भी जेडे निरपक्ष चोणों करवाने को लैके इलैक्शन कमिश्न वालों दावा किया जा रहा है तो शांतमई मतदान कराने की भी गल की जा रही है, तुसी चोण कमिशन दी तैयारियां नाल किन्ने क सहमत हो कि सही है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ हो जाएगा? देखो चोन कमिशन ने अपने वालों जो कार्रवाई करनी उन्हें की है, जिहड़े प्रबंध करने चाहिए थे वो बिल्कुल पुख्ता ने। जिथे उन्होंने माड़ी मोटी कोई कमी पेशी नज़र आई है उत्थे उन्होंने ट्रांसफॉर्म भी कीतियां ने, चेंज भी किया है, होर फोर्स भी लाई है। और पंजाब दे विच हमेशा शांतमई तरीके नाल इलैक्शन हुई है अजे तक, कदी कोई एक सिर्फ टैररिज्म दे टाइम नूं छड्ड दईए ते कदी कोई दंगे फसाद जां कोई लुट्टा मतलब बूथ कैपचरिंग इहो जिहियां चीज़ां नहीं होईयां इत्थे पंजाब दे विच, कोई बिहार वर्गे जां यूपी वर्गे हालात नहीं इत्थे कदी पैदा होए, क्योंकि इतों की जनता जी पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और उन्होंने पता है कि असी किस तरह चलना है और हमेशा एक बिल्कुल निरपक्ष उन्होंने चोण करके दी है और एक पासा करके दिखाया उन्होंने। इस बार तीन धिर ने और मैं तरुण सिंह जी उन्होंने गल तो इसको बिल्कुल सहमत है कि आ जी रात है, इस रात के हर किसी ने अपना एक दिमाग अखीर बार लाना है भी मैं वोट पाउन जा रहा और जिन्हों मैं पाउन जा रहा वो ठीक है कि नहीं ठीक। और तिना धिर की अगर गल करिए, एक धीर है जी पंजाब के पानी दिल्ली और हरियाणे में देना चाहती है, एक धीर है जदों सरकार दे विच सी उन्हें नौकरियों के बैन लाता, किसानों के बिजली पानी के बिल लाते, और एक धीर है जिन्हें 10 साल डिवेलपमेंट करके दिखाई सेंटर तो मदद ली और जो पंजाब के पानी से उन्होंने लड़ाइया लड़िया और जिन्ना वधिया पंजाब नूं बनाया जा सकता चाहे टूरिज्म के खेत्र के चाहे सड़कों के खेत्र के चाहे वह स्किल डिवेलपमेंट के चाहे वह अमृतसर की गल कर लो, अमृतसर वधिया बनाने इस करके जिहड़ा एक वोटर है वोटर अज की रात इस चीज़ को इन्होंने तिन्ह धीर सोच के भी किहड़ा वधिया इन्हां दे विचों जिन्हें कम दिता है और जिहड़ी धीर एक दिल्लीओं आई है उन्हें दिल्ली च की कम किए ने उन्होंने वेखदिया होया अच्छ फैसला करूगी और कल अपना जिहड़ा वोट है उस नूं पाउणगे जिहड़ा इस वोट की कीमत भी रखता होएगा। जी जी बाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बाली साहब तुसी भुल्लर साहब की गल का जवाब दोगे ही पर नाल मेरा यह भी सवाल है कि तुहानूं लगता है कि चोण कमिशन दी तैयारियां पुख्ता ने, हालांकि लास्ट मोमेंट तक तुहाडी पार्टी कुछ बाहरों आए ने उन्होंने बाहर भेजा जाए सूबे तो? देखो मेरा चोन कमीशन यही अपील हैगी और मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों एज ए नुमाइंदा कांग्रेस का मैं यही कहना चाहवागा हूँ तक की हूँ सवेरे जी है उन्होंने जड़िया सुरक्षा ने जिदा वोटर्स आएंगे वोट पा के जाएंगे बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए ने। मैं तुहाडी पहली डिबेट च भी ये गल कही है, इलैक्शन कमीशन नूं भी असीं ये रिक्वेस्ट करना चाहोंगे अगर साडी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोई एक्शन चुकया एक्शन लिया इस चीज़ के उत्ते या उन्होंने रिक्वेस्ट की हो ना वो भी उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, जो तुहाडे टीवी माध्यम के थ्रू असीं देख रहे हैं जो तुसीं दिखा रहे हो असीं इलैक्शन कमीशन कहोंगे कि बिल्कुल टाइट किया जाए कोई मिस हैपनिंग ना हो कोई कुछ ना हो। और मैं खास करके कांग्रेस के वर्करां नूं भी अपील करना चाहवागा वोट तो जरूर पाओ मगर अपने कैमरे जड़े ने वो ऑन रखो, जिदा तुसी हुण लंबी च फड़ी है गड्डी कि वह पैसे लैके भज गए ने तो अमरिंदर सिंह साहब उत्थे पहुंचे ने, यह भी तुहानू अपील करांगे कि इस जगह जगह ते जाके इस चीज़ नूं मतलब उस गड्डी दे पैसे नहीं मिले हैगे, गड्डी तो मिल गई तुहाडी लोगों ने तो दसता कि पैसे लैके जिहड़ी मर्जी फड़ लो तुसी एवें किवें फड़ लो गड्डी लोगों ने दस्सिया उत्थे लंबी बयानबाजी ना करो ते पैसा कोई नहीं मिलेगा गड्डी चों तुसी बोलो ना मैनूं गल कर लैंदे हो मैं बोलिया नहीं हैगा विच जड़ीए जड़ी रो मैं देखो अकाली दल की गल नहीं करना चाहता तुम डिबेट होर रखिए मगर ये गल करते हैं जवाब देना पेगा ये कहते हैं बेरोजगारी की गल मुख्यमंत्री के निवास के अगर लोग आत्महत्या कर रहे हैं लोग टैंकियां चढ़ रहे हैं लोगों तनखावां नहीं मिल रही टीचर साहबान दुत्ता फड़ रहे हैं ये इंपलाइज का बुरा हाल है उन्होंने तनखावां नहीं मिल रही है ये कहते हैं असं रोजगार दे एक सैकंड कदों किया डेढ़ लाख लोगों कदों किया जदों उदो एक मिनट जो चले उदो भर्ती किया ओपोजिशन है नहीं सी उत्थे उदो भर्ती किया तुसी जो मर्जी कर लो 9 मिनट च 39 बिल पास कर दो मतलब जो तुसी करो वो ठीक कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार जान दे उत्तर पहला सारे बिल पास कीते सी एक सेकंड असी अगर कोई गल करिए अगर दूजिया पार्टियां कोई गल करन तो गलत जो अकाली दल करे वो ठीक जो पंजाब दे अंदर बेइंसाफी होवे अगर असी चुकीए तो वो गलत जो अकाली दल करे वो ठीक ये कदी नहीं हुंदा हुंदा। मैं भारतवाल साहब की गल का भी जवाब दे दा इन्होंने पानिया की गल की इन्होंने नशे की गल की कि अमरिंदर सिंह साहब ने कहा मैं 1 महीने खत्म कर देंगे माननीय छोटे पुर जी ने कहा मैं तो 25 दिन च खत्म कर जाऊंगा मैं तो अपने मैनीफेस्टो च लिखे तुम उन्होंने पार्टी दे हो आई एस तुम रिटायर हो तो इस चीज़ का पता होना चाहिए
कि उन्होंने क्या मैं 25 दिन में खत्म कर दूंगा। तुम दूसरी पार्टियां तो गल करते हो कि वो साड़ी पार्टी चाहे ने, तुम साड़ी पार्टी चो दूजी पार्टी चले गए हो। मेरी पार्टी के ऊपर अटैक करो, परसन टू परसन अटैक ना करो। एक परसन टू परसन बाली जी तुम्हारे बारे में मैं दसना शुरू कर दा। दस दियो नहीं दस दियो फिर कोई डिबेट चल रही है कोई परसन अटैक जड़ा है नहीं सर प्लीज एक डिबेट डिबेट मैं सर मैं थाने सारे ने बेनती करदा पर परसन अटैक ना करनी चाहिए। जी जी किसी चलाना चाहिए लोगों को की दिलचस्पी है। ठीक है ठीक मेरी पार्टी की गल की थी यार तुसी डिबेट तुसी मेरी पार्टी दी गल तब पार्टी क्यों कर रहे इंडिविजुअल मेरी पार्टी के बीच लगे पैच वर्क इंडिविजुअल दी गल सवाल खड़े हो गए। चरणजीत सिंह नु पूछा गया सी विधानसभा जणा की काम किते कैप्टन साहब दे टाइम ते ओ कहंदे पैच वर्क लाए सी। ठीक है सर ठीक है सर सड़क नहीं बनाई फिर मैं ओ भी दस देना हुण ठीक है ना नहीं ओ भी दस साहब कैप्टन साहब 5 साल दे राज दे विच सर प्लीज सड़क नहीं कर सके मेरी पार्टी दे तुसी इल्जाम लाओगे मैं दसांगा। सर सर प्लीज मैं सारेयां नु बेनती करदा प्लीज एदा आपां पर्सनल गल ला करिए किसे नु लेके इंडिविजुअल्स नु तुसी मेरी पार्टी दे इल्जाम लाए मैं ते ओ दस्सिया तुसी इंडिविजुअल दी गल ना करिए। नहीं नहीं सर हां जी मेरी भी ओही बेनती है मैं ओही बेनती कर रहा सर प्लीज असीं मुद्दे ते ही रहिए। छोटे पुर साहब ने एक गल कही है कि मैं 25 दिन में नशा खत्म कर दूंगा। बिल्कुल कही है फिर बिल्कुल फिर मेरे अमरिंदर सिंह साहब ने कभी नहीं मैं उन्हें तो कारण दिया। गुरप्रीत जी गुरप्रीत जी मैं सिर्फ इतनी गल पूछना चाहता इन्होंने दोनों के कोलों जेड़े कहते एक महीने नशा खत्म कर देंगे दूसरा कहते 25 दिन नशा खत्म कर दूंगा। इन्होंने अगर नशा चल रहा है पंजाब के दोवे पार्टियां ने पिछले दिनों किया कि उस नशे को खत्म करने वास्ते किहड़े उपराले किए किन्ने एक जगह से जाके इन्होंने कोई कैंप लाए कोई अवेयरनेस कैंप लाए लोगों को चेंज करने की कोशिश की ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਚ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 30 ਦਿਨ सर सर प्लीज प्लीज इस तरह कुछ नहीं समझ आएगा सारे सिर्फ गल्ला मार लेनी है और सिर्फ ये राजा जवाब देता है शब्द में भी महीने से खत्म कर दा। नहीं ठीक है सर ठीक है मैं हां हां ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है सर छड़ी कमाई सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है सर सो ਤੁਸੀਂ सारे अपनी गल रख रहे हो। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ मेरा सवाल ये है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ मुद्दे ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਨੇ ਸਭ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਰਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ के जड़ा इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए है जी सर उस दे विच कोई शक नहीं है कि इस बारी इलेक्शन कमीशन ने बहुत पूरे मुकम्मल इंतजाम किते हैं और बहुत वधिया किता। लेकिन जे इलेक्शन ठीक ठाक भुगते जाते हैं उस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ तुसी इलेक्शन कमीशन नू ना दो बल्कि उस दे नाल पंजाब दे सूझवान वोटर जिहड़े कि शांतिमई माहौल नाल रहना चाहते हैं आपस में भाईचारा कायम रखना चाहते हैं और शांति और करना चाहते हैं उन्होंने भी देना चाहिए है। और उस करके पहले भी हुण भी बाहरी ताकत तो आके खराब माहौल नू कर सकती है जिहड़े चुकन वाले वो तो कर सकते हैं ये जिस तरह की ये आम आदमी पार्टी वाले जिहड़े धर्म नू लेके बार बार चुकी जाते हैं लोगों कि धार्मिक भावनाएं उत्थे बरगड़ी हर्ट हुई है उत्थे हुई है इस तरह हुई है जख्मों नू कुरेद के लोगों नू भड़का के तो माहौल खराब हो सकता है पर पंजाब का आम जड़ा वोटर है वो शांति चाहता है और शांति नाल इलेक्शन होवेगा। इसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन नू भी और पंजाब दे सूझवान वोटर नू भी जाना चाहिए और जावेगा। जी जी ठीक है तरलोचन सिंह जी ने साडे नाल तरलोचन सिंह जी कि तुसीं जो चोण कमिशन वालों तैयारियां कीतियां गईयां हालांकि असीं पहलां भी गल कीती तुसीं कहा भी अवेयरनैस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चलाए गए चोण कमिशन दे वलों दी लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक होए ने कि लगता है कि कल वो जागरूकता का जो असर है वह नज़र आएगा। गुरप्रीत जी एक जिहड़ा इस बार पंजाब दे लोकां नूं सब तो वड्डा लाभ मिलिया भी एक तीसरी धिर दे आउण नाल आम आदमी पार्टी दे आउण नाल एक सब तो वध जिहड़ा बेनीफिट यही है भी पंजाब दे लोकां च अवेयरनैस बहुत आई है। अगे अकाली दल BJP ते कांग्रेस दो धिरां हुंदियां सी और दो धिरां जिहड़ियां ने वह प्रचार उन्ना करनगियां तीसरी धिर दे आउण नाल उस तो बाद
आम आदमी पार्टी चो भारद्वाज जी निकले अपना पंजाब पार्टी बनी एक पंजाब फ्रंट बनया इस तरह कुछ होर धिर आईया तो मैं समझदा भी प्रचार वध्या प्रचार वधन नाल जिवें मेरे साथी बैठे माइंड ना करन जिहड़ियां दूषणबाजियां चिक्कड़बाजियां ये भी बहुत चलियां जिवें अज डिबेट च बड़ा रौला पिया सो ये जिहड़ा रौला गोला अगे नालों वध्या जिहड़ा चोण मेला सी उहदे च साथियां दा वध आउण नाल उहदे नाल पंजाब च बहुत वड्डी अवेयरनैस आई है वह कई गल्लां लोकां नूं जिवें उहनां दा मन नहीं करदा तां वी सुननियां पईआं सो इस करके मैं महसूस करदा भी एक तो जिवें भारद्वाज साहब ने कहा पंजाब दे लोक वैसे ही बहुत 4 फरवरी 2017 दीआं चोणां लई अवेयर सन दूसरे इस कोई डाउट नहीं भी इलैक्शन कमीशन ने डे टू डे कंपेन भी चलाई प्रचार भी किया नाल सिक्योरिटी के प्रबंध भी किए तो इस नाल कंपेन च कोई प्रचार च कोई घाट नहीं कि मैं लगता भी इस बार वोट प्रतिशत भी पहलों नालों शायद रिकॉर्ड तोड़ दे इतनी संभावना है जी जी ठीक है भुल्लर साहब थानू किवें लगता है कि जिस तरह हुण तरलोचन सिंह जी ने भी गल कही है कि इन्हों चोणों के जो भी प्रचार होया बहुत ज़्यादा होया पर उस दे विच मुद्दे पिछे रह गए तो सिर्फ दूषणबाजियां तौमतां यही अगे रही हैं देखो जदों पहला दो पार्टियां तीन पार्टियां होंदियां सी पिछली बार भी जदों इलैक्शन हुई है उदों ट्रिपल पी सी विच जी जी मनप्रीत बादल की पार्टी सी लेकिन उस च एक फर्क रहा भी दूषणबाजियों वाला काम बहुत रेयर सीगा कोई माड़ी मोटी कितने कोई हुई हो तो हुई हो पर जी नवी एक विच आमद हुई है बाहरले पास्यों की आके और जोड़ा कैडर सीगा कैडर कोई बड़ा सुलझा हुआ कैडर नहीं है वो सिर्फ वह कैडर है जिन्हों मौका प्रस्त कह सकते हैं आप जो बाकी पार्टियां थक्या हुआ कैडर सीगा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने एक रस्ता चुन लिया कि होर तो कोई उन्होंने को है नहीं ना ही उन्होंने इतने कोई डिवेलपमेंट की है ना उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा है कि जो बारे गल करके कह सकन भी हाँ जी आह कम किया अं इस कम के आधार से ही वोट मंगते हैं उन्होंने को सिर्फ दूषणबाजियां ही बचिया और उन्होंने दूषणबाजियों का एक माहौल खड़ा करता सारे पंजाब के चाहे वह कांग्रेस के विरुद्ध च हो चाहे भारतीय जनता पार्टी ज अकाली दल के विरुद्ध हो जे दूसरे जो सीनियर लीडर से उन्होंने विरुद्ध होना ने एक दूषणबाजियों वाला एक माहौल क्रिएट करके और खिलाफ मतलब इवन मैं यह भी कहूँगा जिदा सुचा सिंह होना के खिलाफ सगा वो दूषणबाजियों के सिर के उत्ते सरकार आना चाहते हैं उन्होंने कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ कोई डिवेलपमेंट का मुद्दा लैके गल करते हो कोई नौजवानों कोई नौकरी देने का मुद्दा करते उत्ते गल करते हो पंजाब आने तो बाद किसानों की फसल चुकन का मुद्दे के उत्ते गल करते हो कोई सुसाइड के उत्ते जो हो रहे हैं किसानों दिया उन्होंने उत्ते मुद्दे से गल करते हो ऐसे मुद्दे से कोई गल नहीं हैगी सवाए दूषणबाजियों को उन्होंने कोल और मैनू लगता है कि जे ऐसी सरकार के बाई चांस कि बना दी गई तो जो हाल अज दिल्ली का है उ हाल होएगा भी छे महीनों बाद अद्धे किन्ना दे एमएलए अंदर होणगे किसी ना किसी आतंकवादियों के घर रहिंदे हैं जो इन्होंने सपोर्टर्स ने मोगा आतंकवादी के घर रहे हैं सपोर्टर ने जिन्होंने कभी सिमरजीत सिंह मान दे उत्ते ट्रिपल पी दे उत्ते और कभी इन्होंने उत्ते पैसा ला के और अपनी फोर्स ला के सरकार दे विच आउण दी कोशिश कर रहे ने उन्होंने जी बैकग्राउंड है वो तुहानूं पता ही कि बैकग्राउंड तो रहिंदे ने और साडी ते पूरी जोर अपील है जनता नूं कि ऐसे लोगों नूं मौका प्रस्त लोगों नूं जिन्हां दे कोल कोई मुद्दे नहीं है पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते इन्हां दी सोच नहीं है जिन्हां दा पंजाब नाल कोई लेखा देखा नहीं है ऐसे लोगों नूं ना लैके आंदा जावे जिहड़े सूझवान लोग ने जिहड़े पंजाब नाल कोई राबता रखते हैं ऐसे लोगों नूं अपनी वोट पा के उन्होंने लैके आंदा जावे और सरकार बनाई जाए जो पंजाब लई कुछ भला कर सकन जी जी ठीक है ठीक है जी गल बाली साहब एक छोटा जिहा कमेंट चाहांगा बाली साहब की तुहानूं लगदा है कि वोटा दे के दूषण दूषणबाजियों के सिर पर कोई भी इस तरह नाल अगे आ सकता है सत्ता दे विच लोक मुद्दियां नूं नहीं ध्यान देणगे सिर्फ दूषणबाजी ही उन्हां दे दिमाग च घूमेगी कह दो कि जी केजरीवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए सर हेलो हेलो गुरबीर जी आवाज नहीं आ रही मैनू जी जी बाली साहब असीं कोशिश करांगे थोड़े तक आवाज़ पहुंचे भारद्वाज साहब तो मैं उन्नी देर सवाल ले लैना भारद्वाज साहब एक छोटा जिहा कमेंट ही चाहांगा कि तुहानूं लगदा है कि दूषणबाजियां दे सिर ते कोई भी इस तरह नाल सत्ता ते काबज़ हो सकदा है जिहड़ी दूषणबाजियां दे सिर ते की सरकार आ सकदी है किहदी किसी दी भी मैं समझ गया जी मैं बाली साहब वलों भी और बाली साहब तो मैं पहले ही कह चुके कि मैं इन्हों की पार्टी हूँ सी तो मैं इन्हों मैंटेलिटी समझदा मैं समझदा कि बाली साहब का भी मेरे ख्याल यही विचार है कि ये जिहड़े बाहरले बंदे इत्थे पंजाब दे विच आके लुट खसोट लई आए हुए केजरीवाल और उहदे 54 बंदे ओ बंदे पंजाब दे मसले ना तो समझदे हैं ना उन्हां दी कोई इच्छा है ओ इत्थे पैसे बटोरन लई आए सी पैसे बटोर के इन्हां ने तुर जाना है और इस तरह दे बंदे जिहड़े हैं पंजाब दा इंटरेस्ट वाच बिल्कुल नहीं कर सकदे
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੋ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੇਮ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੇਮ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ 91% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ 9% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।